खानों पे आने का टाइम होता है तो फिर जैद की ग्रोसरी का टाइम होता है। खूबसूरत सा कलरफुल सा अल्लाह बरकत डाले हमारे खानों में, हमारे जायकों में। बस फाइनल इसमें हरी मिर्ची डालनी है और बस सब्जी शक्ल में लेके थोड़ी थोड़ी सी हल्का सा इसमें ग्रेवी है और ऐसे आए ना ऐसे करके इसके साथ टूट गया होगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चले आज क्या हो रहा है, आज हो रहा है दावत दोबारा आज आ रही है स्पेशल सिस्टर हैदराबाद से, जो कि जब इससे मैं कनाडा से आई हूँ नहीं आई है, तो वो आ रही है बच्चों के साथ और प्लस सायरा को भी मैंने कहा आप आ जाएं। तो आज का मेन्यू क्या होगा चले आपके साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि आज हम क्या बनाएं। तो सबसे पहले तो मैंने ये सोचा है कि आज कस्टर्ड वाली सवैयाँ, जो कलरफुल सवैयाँ डाल के बनाते हैं बहुत मज़ेदार, और मैंने हेयर डाई लगाया हुआ सर पे, चिट्टे चिट्टे बाल नज़र आ रहे थे। तो कस्टर्ड वाली सवैयाँ रंग बिरंगी जो होती हैं उसकी रेसिपी भी दूंगी मैं आपको, वो बनाऊंगी। और चिकन टिक्का जो इस रमज़ान मेरा फेवरेट है धुएँ वाला, वो बनाएंगे। और मुझे लग रहा है ज़्यादा है मेहमानों का आने का टाइम होता है तो फिर जैद की ग्रोसरी का टाइम होता है। मैं गाना सुना इसको, ये इसको ऐसे ऐसे पकड़ो, पकड़ो एक गाना सुनी मुझे क्या माने हो गाना सुनाओ मेरे बच्चों को। अब गाना नहीं सुना, मैं पानी भरने जा रही हूँ मेरे बच्चे को, जब तक तुम झूला दो। हाँ तो ये गाना नहीं, गाना नहीं, गाना कहती है चलो झूला होगा गाना, तुम जब तक मेरे बच्चे को गाना सुनाओ। अच्छा ये देखो चश्मा, ए मैं आपको दिखाऊँ इसकी, ये कह चाहे कि मेरी उम्र यकीन करें 35 साल, इसमें देखो चश्मा ऐसे रखते हैं, चाहे रीडिंग वाला हो चाहे डिस्टेंस हो। मैं ये एक बात इन्होंने नहीं माननी, वैसे जन्नती खातून है लेकिन ये बात नहीं माननी, यानी कि चश्मा ऐसे रखो। तो इस रमज़ान में मुझे वो मिला है, लक़ब मिला है जन्नती खातून का। और मैंने कहा क्या जब तुम तुम्हारी बहन तुम्हारी कहती है तो चलो मैं भी कर देता हूँ। उनका ख्याल है मतलब कभी जन्नती लोगों के ख्याल से मैं मुत्तफिक हो जाता हूँ। खुद के साथ सारे में हमारे पास मीट है, कट्टा कटिए कि ना कटिए। हाँ तो फिर रहने में, फिर क्या काट के वो वापस लेगा क्या? नहीं वो खड़ा है ना बेचारा, देख ले अगर नहीं है तो वापस ले आओ, आप मुझे काटने तो मैंने करने नहीं। जैद को होता है कि मक्खियां उनकी ना मक्खियां नहीं होती है ना। ये ले देखें चक्कू, चक्कू से काटने, चक्कू से। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, पानी हमारा फिल्टर पानी है ये। हाँ हम लोग दूसरा पानी नहीं चढ़ाते ऊपर, नहीं। हाँ सही लग रहा, आप एक कारोबार करता है पता क्या ये आपने सीखा उनसे जो काटते हैं, हमारा आपसे नहीं निकला, उनसे निकल कटा दिया पूरा। ट्रिक देखें, चलो ऐसे कर लो। बहुत मीठा है ना, पक्का फर्स्ट क्लास में था। क्या बात, बस अब ठीक है, उसको बेचारे को मैं रोना करूं। चले आज हम बना रहे हैं सवैयां जो होती है कस्टर्ड के लिए कलरफुल, और उसका पैकेट मैं आपको दिखा देती हूँ जो हमने मंगवाया है। और ये वाला पैकेट है, ये देखो, ये कलरफुल सवैयां है। और इसको आप जितना कस्टर्ड बना रहे हैं, मेरे ख्याल आधा पैकेट मुझे चाहिए होगा, पूरा पैकेट नहीं वरना बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि मैंने एक बॉल ही बनाना है। 2 बॉल पिछली दफ़ा भी बनाए तो वो फिर ज़ाये हो जाते हैं, कोई इतना खा नहीं होता इफ्तारी के बाद ना। तो आज एम यही है कि 1 बॉल बनेगा, पर मेरे खाने में माशाल्लाह बरकत हो जाती है, हमेशा 1 की बजाय 2 ही बनते हैं। तो 1/2 पैकेट इसका बॉयल करेंगे और सिंपली पानी में आपने बॉयल कर लेना है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दाए हमने निकाल लिया है, कपड़े चेंज कर लिए हैं ताकि आप गर्मी में आके खड़े हो जाएं किचन में। हाँ चले, ये सवैयों का पानी बोल गया और उसको आपने जस्ट सिंपली बॉइल कर दिया। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 1/2 पैकेट लिया है, कम और ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। मैं क्या करूँगी, पर इसकी गार्निशिंग भी करूँगी, इसलिए मैंने 1/2 लिया, वरना तो अंदर तो कम ही डलेगी 1 बोल में, तो आपको पता है कम ही लगती। मैंने 1/2 इसको कर दिया है। ये सवैयाँ आप मंगा लें, इनको तो ये तो ख़राब भी नहीं होती, बस इनको सिंपली बॉईल करेंगे, पूरा अच्छी तरह पका लेंगे, क्योंकि जब कस्टर्ड रेडी होगा सिर्फ हमने इसको के अंदर डालना है और कुछ भी नहीं करना। तो चने समय बॉयल होती है, उसके बाद आते क्योंकि दूसरे चूल्हे पर भी चल नहीं रहे, वो तो चने में जब गैस आएगी तो एक ही चूल्हे पे काम होगा। ज़रा सा हिला दें ताकि साथ गुठलियाँ सी ना बन जाए, और बस इसको बॉयल। और चिकन जिंदाबाद। ये मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है जिसकी चिकन बारबेक्यू रोटी बनेगी, और ये चिकन 1 किलो है जिसका हम सालन बनाएँगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे चिकन 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 ही खाते हैं और इजी भी रहता है। तो इसका सालन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अचारी गोश्त बनाऊँ क्या बनाऊँ, कढ़ाई भी बना ली सालन भी बना ली, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप बताएं, कोई आइडिया दें क्या बनाऊँ, लेकिन जब तक आप बताएंगे जब तक मेरा ये बन चुका होगा। खैर इसकी तो बोटी बनेगी जो बहुत फेमस हुई है इस दफ़ा मेरी, तो आज आपको इसकी पूरी रेसिपी देंगे बहुत ईजी में। चलिए कस्टर्ड का हमने यहाँ पर दूध रख दिया है, और इसमें अब चीनी शामिल करें अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि कम और ज़्यादा आप लोग अपने हिसाब से खाएँ डालें, क्योंकि कई लोग चीनी कम खाते हैं कई ज़्यादा, और बच्चे आ रहे हैं और सारे बच्चे मैंने देखा थोड़ी सी तेज़ चीनी पीते, शरबत में भी तेज़ पीते हैं और वैसे भी। ये मैंने डाली चीनी और कस्टर्ड, मैंने जो येलो वाला खा लिया, येलो वाला कस्टर्ड जो मैंने खोल के रख लिया है दूध में, और जैसे ये दूध उबलेगा फिर इसके अंदर में शामिल करता। आप चेक कर लें, और चेक करने के बाद उसको बस आपने दूध उबल गया डालना। कस्टर्ड बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि आपने सवैयाँ भी डाली हैं इसमें, तो कस्टर्ड को थोड़ा सा पतला रखिएगा, वरना वो सवैयों के साथ तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। मतलब बिल्कुल लिक्विड भी ना हो और बिल्कुल बहुत ज़्यादा जैसे हम कई दफ़ा गाढ़ा कर लेते हैं ना उस तरह भी ना, ये थोड़ा सा पक के अब गाढ़ा हो जाएगा। तो बस इसको इसके अंदर हम सवैयाँ डालेंगे। तो ये रही हमारी सवैयाँ जो हमने बॉयल की थी, और कस्टर्ड देखें अभी भी थोड़ा सा इस तरह का है, और बहुत ज़्यादा आपने इसको वो नहीं करना क्या कहते हैं गाढ़ा, इसको थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है, वरना तो फिर वो बहुत जम जाएगा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सवैयाँ, और ज़्यादा पूरी नहीं डंप कर रही हूँ कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए। इनको आप ठंडे पानी से वॉश कर लें ताकि जुड़े ना साथ में। और ये मैं अगर क्वार्टर वो भी वो करती ना तो वो पूरा बहुत हो जाती है, मैंने तो आधा कप कर लिया पूरा, आधा पैकेट पूरा बॉयल कर लिया। कोई नहीं, उसको आप दोबारा भी रीयूज़ कर सकते हैं, कुछ और बना सकते हैं। अभी भी सवैयाँ मुझे कुछ कम लग रही हैं कि जैसे भर के उसमें नहीं आ रही, तो भर के उसमें आ गई उन्हीं का मज़ा आता है। तो मैं थोड़ी सी और शामिल कर दूँगी। स्पून यूज़ करना चाहिए तो मेरे हाथों से स्टिक होती जा रही है, तो आप स्पून यूज़ करें ताकि आपके हाथ गंदे ना हो। बस अब मैं इसको ऑफ कर दूँगी, और क्या कहते हैं डिश में सर्व करेंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाए और बस इसको डिश में डालें। तो आप ये देखें इस तरह की ये सवैयाँ हैं। थोड़ा सा आपको पतला लग रहा होगा, लेकिन ये जब फ्रिज में रखेंगे तो जम जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा होगा, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना इसको, कस्टर्ड हार्ड नहीं करना। ये सवैयाँ डेकोर के लिए, और ये बादाम पिस्ता खोया और काजू वो आप ज़रूरी भी नहीं है कि डालें, लेकिन डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं। तो ये मैं कुछ कुछ तो इसके अंदर डाल दूँगी ताकि अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए। मुझे उम्मीद है कि ये प्याले से ज़्यादा ही ज़्यादा भी बन गया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जाने भी हो गई जोहर की, साथ साथ बस ये पड़ते ही जोहर पड़ेंगे जाकर। और मैंने आपको क्या बोला था कि ये 2 प्याले लाजमी बनेंगे, मैं तो 1 प्याले के बगैर रह ही नहीं सकती। अब ये सवैयाँ हैं, इससे आप इसको डेकोरेशन कर लें, और इससे डेकोरेशन अभी घटी होगी क्योंकि कस्टर्ड जो जमा नहीं, तो थोड़ी देर फ्रिज में रखें उसको जमने दें, फिर उसके बाद ये डालें। लेकिन मैं अब रेस्टलेस हो रही हूँ तो इसलिए डाल रही हूँ, लेकिन नहीं डाली अब नहीं डालूँगी, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर डालते हैं, वरना ये सारा उसमें चला जाएगा क्या कहते हैं कस्टर्ड के अंदर ही शामिल हो जाएगा। चलिए वो थोड़ा सा सेटल हो गया, थोड़ा सा हार्ड हो गया, तो मैं अभी उसके ऊपर डालना शुरू कर दिया। थोड़ी सी मेहनत करें तो अच्छी खूबसूरत सी चीज़ लगने लगेगी। तो मुझे याद आया मुझे चांदी के वर्क होते वो लगाती, उस दिन भाईजान ने याद कराया चांदी के वर्क, वो नहीं है मेरे पास। चले नेक्स्ट टाइम दूसरा इसको साफ़ भी करते जाएं, प्याले प्याले साफ़ लगने चाहिए आपके। और अब ये आप हरे रंग का इस पर डालें पिस्ता, है गिर गया चूंटियाँ ही ना आए, और तो चूंटियों का यहाँ बहुत चक्कर है। आप बताएँ आप चूंटियों के लिए क्या करते हैं? ज़रा सी कोई चीज़ गिरती है पता नहीं कहाँ से आती है, वो ऐसे पहुँचती हैं कि जैसे उनको हमने दावत दी, इस तरह से पहुँचती हैं। खूबसूरत सा कलरफुल सा रेडी हो गया है कस्टर्ड सवैयाँ। और अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि दूसरे प्याले में बनाऊँ कि ना बनाऊँ, और उसी में डाल के रखें। सोच में पड़ी हुई क्या करूँ। चले ये है खीर और ये है समैयों वाला कस्टर्ड ज़बरदस्त। अब इसको गार्निशिंग करनी है तो हमने कहा कलर थोड़ा ठंडा हो जाए, इस पर लगाएंगे कवर और रखेंगे फ्रिज में। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा मीठा हमारा तैयार है और अब बस इसको फ्रिज में रखें। और जैद की हुई तबीयत ख़राब, तो पेट में मोशन नहीं है, वो हो गया दर्द, दवाओं का सिलसिला होना शुरू। तो हमने कोई तली हुई चीज़ भी नहीं खाई, नहीं खाना खा लेते मीठा मीठा। अच्छा ये बताएं आप लोग को मीठा मीठा दर्द होता है? जो जैद को मैं जैसे हमेशा कहती हूँ मीठा मीठा दर्द जो है ना, उनको ये नहीं समझ आ रही कि ये मीठा मीठा दर्द क्या। आज तक इनको 35 साल में ये नहीं बताया ये किसको कहते हैं दर्द। और वो भी मीठा दर्द होना चाहिए कड़वा, मेरी तरफ जैसे मैं मुझे दर्द में कड़वा दर्द होता है ना वैसे। पहले मैं खोल के देखती थी तैयारी हो गई था। तरबूज हमारा ठंडा हो गया ठार और खजूरें भी ठंडी हो रही हैं और बस अभी दूसरा मीठा भी रख दें अंदर। अब हम बनाएंगे, अब हम मैरिनेट मैं करूँगी ये चिकन, जो तंदूरी चिकन आप लोगों को सबको इतना पसंद आया वो करूँगी और उसकी रेसिपी भी दूँगी क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट आए थे कि उसकी रेसिपी दे दें। बहुत आसान है, उसमें खाली आपने दही डालना है और क्या कहते हैं मसाले आप घर के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं खुद कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि गर्मी की वजह से मैं जल्दी से दूसरा पैकेट वाला मसाला डाल देती हूँ। अदरक लहसुन आपने फ्रेश डालना है, हरा धनिया और पुदीने की चटनी जो आपने रमज़ानों के लिए पीस के रखी हुई वो शामिल करना है। मैं कह रही हूँ काम ख़त्म हो जाए, मैंने अभी ज़ोर नहीं पड़ी ना इसलिए मैं जल्दी जल्दी। मैं भी मैरिनेशन कर रहे हैं कस्टर्ड में। हाँ तो आपकी तो तबीयत ख़राब है तो आप क्या करें, कोई बात नहीं। कैसा है अच्छा बता तो दें। मीठा ठीक है, मीठा ठीक है और सही बना। ये उस दिन बाजी के घर जो खाया था वही बनाया जी। हमारा ये तैयार हो गया सारा सेटअप। अब आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपने कोई सा भी आप टिक्के का मसाला ले लें, पैकेट वाला ले लें, घर का ले लें, जैसा भी ले लें और उसको आप इस पर लगाएँ चिकन पे। पिछली दफ़ा थोड़ी सी चिकन स्पाइसी हो गई थी लेकिन अच्छी बनी थी। आज चिकन ज़्यादा भी है, उस वक्त मेरे ख्याल 1 किलो थी या 3 पाव थी, आज है 1.5 किलो। ऐसे कर लेते हैं, कम डालते हैं थोड़ा सा। और इसमें अब शामिल करेंगे अदरक लहसुन जो ताज़ा पिसा हुआ है, उसको तकरीबन 2 टेबल स्पून आपने डालना है। इस ही की सबसे ज़्यादा खुशबू। और थोड़ा सा डालें आप सिरका और हरी चटनी जो आपने हमेशा पीस के रखी होती है अपने घरों में रमज़ान शरीफ के लिए, वो डाल दें। उससे ज़रा हरा पुदीने वगैरह का जायका आ जाता है। और दही आप तकरीबन 1 पाव में दही इसमें शामिल करूँगी। दही जितना ज़्यादा होगा उतना ही वैसे ही अच्छा बनेगा। तकरीबन ये मैंने डोंगे वाले 4-5 चम्मच इसमें डाले। बस अब आप इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करें, यूँ करके मैरिनेट मिक्स करें और इसको फ्रिज में रख दें। और बस तार से जैसे आधा घंटा पहले इसको बनाएं, बहुत जल्दी बन जाता है क्योंकि मैरिनेशन होगी उसकी। मैं आपको हमेशा कहती हूँ रात को करें, पर इत्तेफाक होता है कि मुझे रात को पता ही नहीं होता कि किसी ने आना है। एंड टाइम पे पता चलता है तो एंड टाइम पे फिर ऐसे ही काम होता है और ये बहुत जल्दी बन जाती है। इतनी ईजी रेसिपी है और मेहमान भी खुश हो जाते हैं और आपकी वाह वाह भी हो जाती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये बन जाता है रोटी चिकन जो भी। ये हो गया डन। चले सायरा पहुंच गई, किचन संभाल लिया और आज उसकी रेसिपी सिखाएंगे आपको चिकन कढ़ाई की होममेड। और वो कह रही है कि वो टमाटर कुछ कम लग रहे हैं हमें, तो कह रही है कि अल्लाह बरकत डाले हमारे खानों में। कैसे कह रही हो सायरा? अल्लाह बरकत डाले हमारे खानों में, हमारे रिस्क में। वो कह रही कोई यूट्यूब पे उसने देखा था वो इतनी दुआएं देते हैं। खैर ये दुआएं पढ़नी भी चाहिए और बिस्मिल्लाह और क्या कहते हैं दुरूद शरीफ पढ़ के खाना शुरू करें तो बहुत बरकत होती है। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था सालन क्या बनाया, तो फिर सायरा कढ़ाई कह रही कि कढ़ाई बना देती है। थोड़ा ही डालना होता है वरना चलो सायरा ने तो अपने मसाले भूनने शुरू कर दिए। हमारे पास साबुत धनिया नहीं था जो कि चाहिए था इसके ऊपर भूनने के लिए, तो फिलहाल खाली ज़ीरा भून रहा है। चलिए यहाँ पे हमने डाला सरसों का ऑयल, उसको खूब ज़्यादा वो कर लिया है गरम। उसमें चुटकी नमक डाला है और इसको फ्राई करना हो सकता है, इसको फ्राई करना खाली फ्राई करना है, क्या नमक खाली डालना और कुछ नहीं डालना नहीं, बस नमक में फ्राई करना, नमक में खाली फ्राई करना। ये भी टिप है, नमक में खाली फ्राई करना। फिर ऐसे यहाँ पे आलू उबल रहे हैं चाट के लिए। अब गया है पिसा हुआ अदरक लहसुन इसमें, बस बेसिकली आप ये समझ लें कि फ्राई हो रहा है चिकन, नमक और अदरक लहसुन। फिर बस इसमें मसाले डालेंगे और मसालों का ही सबसे ज़्यादा काम है। बकौल सायरा के अपने घर में ही आदत होती है, यहाँ पे कहती है अब देखें जायका भी आता है कि नहीं। तो मसाले तो वही है, जायका तो आना चाहिए। हाँ, हमारे पास आपको बताया ना कि साबुत धनिया जो है वो पिसा हुआ है, कुटा हुआ नहीं है, और वो भी भून के कुटा हुआ नहीं है, वो ख़त्म हुआ हुआ था। और पता नहीं कल शायद लेने भी गए तो वो मिला नहीं, क्या हुआ था, क्या कहा था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। तो अब देखें क्या बनता है, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है, खाना तो इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा। रमज़ान में तो वैसे ही आपको पता है रोज़ों में हर चीज़ बहुत अच्छी बनती है विदाउट टेस्ट किए। हल्दी गई है, हल्दी कहते हैं ये भी ठीक होती है, सारे को अलग अलग बनाएगा। हाँ, सारा गरी को हर मसाला जो है ना अलग अलग भूनती है, साथ में नहीं होती। तो हल्दी भुनी है, अब जीरा भुनेगा, धनिया भुनेगा। नहीं, जीरा धनिया साथ ही कर। देखो मैं तो आ रही पाया होगा फ्रूट लेके और टमाटर लेके। और क्या वो किसा हुआ है ना पाया। ये गया भुना हुआ जीरा जो अभी हमने पीस के डाला था। और थैंक यू। आ जाना फिर कम्प्लीट खाली बना, आ जाना आपके टमाटर भी। और क्या क्या डाल दिया तुमने? डाल धनिया आ गया, पिसा हुआ धनिया। अगर आपके पास पिसा हुआ धनिया वैसे डालें, आप कूट के उसको भर के डालें, भून के डालें, सॉरी रोज़े में बोला भी नहीं। और अब ये डाली कुटी मिर्चें, लाल मिर्चें, कुछ और नहीं डाला, कुटी मिर्चें डाल दी कढ़ाई में, है ना। आप आपकी बहुत फरमाइश थी कि सारे की रेसिपी दें, सारे की रेसिपी दें, तो ले लें। अगर जाते जाते आपको एक सारे की रेसिपी दें। काली मिर्ची, अच्छा काली मिर्ची जाएगी तो उसकी टिक्की में मसाला पिसा हुआ। और सायरा ने इसका भी टिप दी है कि नेक्स्ट टाइम ये जो है पिसवा के रखो। तो अब ये ख़त्म हो गया ना मसाला, तो फिर हम गर्म मसाला सायरा वाला बनाएंगे। सायरा यूज़ कर बेटा, पीछे हो जाए, छिटा पड़ेगा थोड़ा सा पानी डालो। हाँ डालो जरा, बस अब इसको भूनना। टमाटर और प्याज डालेंगे। अच्छा मैं कढ़ाई में प्याज भी डालूँ, तो मैं भी नहीं सीखी। हाँ क्या हुआ पानी, ये लो पानी, ये लो गिलास, इसको पानी दो। पानी डाल देना ताकि मसाले चिपके। अच्छा थोड़ा सा पानी डाल दें अगर मसाले चिपक रहे हैं वहाँ पे। और फिर आप डालें इसमें टमाटर और अच्छा प्याज की टिप ये है कि आपने गोल काटना है। ये क्यों? वो बस गल जाएंगे ये ना, वो मोटे मोटे काटते हैं। हाँ ये छोटे प्याज में होगा। अच्छा अब इसी में ये गले हुए बनेंगे, चिकन गलेगी पकेगी, पकड़ेंगे इसको। बस फाइनल इसमें हरी मिर्ची डाली है और बस अब ये गल रहा है और इसका मसाला दम पे रख देंगे इसको। और कुछ दम कैसा दम देखो कितनी जल्दी तैयार हो। सुने हम अब चिकन कढ़ाई बन गया, मैं और सायरा अब लगेंगे फ्रूट चाट बनाने के लिए। इसकी तो नहीं बनेगी, इसको तो काटेंगे वैसे ही। इसमें चिक्कू, खरबूजे, ऑरेंज, अपो सब कुछ काट के ये बनाएंगे। और उधर बन रही है फ्रूट चाट। और जोरा आपने क्या कहा कि किसकी कैसी टेस्ट आ रही है? घर जैसी टेस्ट आ रही है, सही। तुम्हारी मम्मा ने पकाया तो घर जैसी होगी। हाँ क्या क्या? और मुझे कम लग रहा है, मैं थोड़ा कढ़ाई में ज़्यादा ही रखती हूँ। हाँ तो डालो, तो ये वाला ऑयल डालो। हाँ डालो ऑलिव ऑयल डालो। हाँ वो कच्चा ऑयल है ना, थोड़ा सा सायरा ने ऑलिव ऑयल डाला है वो तो, और उसमें थोड़ा सा कलर आ जाए, कलर ऑयल सही। और यहाँ पे हमारे पकौड़ों का सामान तैयार है और दही बल्लों का भी तैयार है। और ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो साथ में खिलारा देते हैं हमारा। सबसे पहले गार्डन में खरीद भुजा और सारे के लिए जब कढ़ाई जब भी आप पका के रख दें, जैसे अब हमने अभी पका के रख दी है और खाएंगे तो लेट खाना, तो उसको आप पानी छिड़क के गर्म करेंगे, वैसे गिरेंगे तो वो फिर जल जाती है नीचे जले हुए सामने डालने के। तो क्या कहते हैं, जोरा ने चेक करके पहले ही बता दिया है कि उसका टेस्ट रख जैसे हमारा काम ख़त्म, बस ये अब कर लेगी, ऐसे होता है मिलजुल के काम। अलवदाई पार्टी। अच्छा ये तरबूज को कैसे काटना है? ठीक है, ये तो मैंने लाया था फिर घर से, जैद उनसे कटवा के नहीं लेता ना, तो बस कुछ भी नहीं। अब हमने ये जो है इसमें थोड़ी चीनी डाली, वैसे मैं घर के लिए चीनी नहीं डालती हूँ लेकिन मेहमानों के लिए थोड़ी सी मैंने शुगर डाली इसमें, 3 टेबलस्पून, थोड़ा सा चाट मसाला, तो मस्त है, और क्रीम। तो बस अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। पूरी डाल दूँगी क्योंकि फ़ायदा गैस को रखने का। मज़ेदार सी आपकी चाट भी तैयार, खूब चाट, सब कुछ माशाल्लाह फ्रिज भर गया चीज़ों से। इतनी मुश्किल से मैंने चीज़ें घुसाई हैं, वो ऑन ही नहीं था कैमरा, जिस मुश्किल से मैंने आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं चीज़ें रख रही हूँ, कि ये फ्रिज जो है हमें कम पड़ता जा रहा है क्योंकि ज़्यादा गर्मी है, हर चीज़ आपको फ्रिज में घुसानी होती है, हर चीज़। यार ये पकने के लिए अभी निकल जाएगा तो जगह हो जाएगी, लेकिन हर चीज़ डबल 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 पैन लगा के रखनी पड़ रही है। सांभर भी आ गई है माशाल्लाह, और ये हमारी कढ़ाई देखना ये रेडी है, और मैकरोनी का काम जारी है, चिकन और टमाटर भून लिए गए मैकरोनी के लिए, सब्जियां भी कट गई हैं, शिमला मिर्च, टमाटर, करी पत्ता, हरी मिर्चें, ये सब कुछ हो गया रेडी, चने भी रेडी हो गए। बस करें, ये वो चिकन है जो हमने मैरिनेट करके रखी थी, जिसका हम चिकन बोटी बनाएंगे, धुआँ लगाएँगे इस पर। बस कुछ भी नहीं, इसमें हमने जो थोड़ा सा दही का भी ये पानी, दही के पानी में ये पकेगा, और बस जब ये गल जाएगी तो इसको स्टीम लगाएंगे। थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे हमारे पकौड़े भी तैयार हो गए, पकौड़ों के बगैर तो रोज़ा नहीं खुलता, और दही बड़े भी तैयार हैं तड़के वाले, और चने की चाट, और निकल हमारा तैयार। और कोयला के बाद आपने डालना थोड़ा सा ऑयल, ये ढक्कन ले रही है इसका मुझे, ताकि मैं जैसे ही वो बंद करूँ तो सारा मैं करीब ला के दिखाऊँगी। इस शक्ल में देखे थोड़ी थोड़ी सी हल्का सा इसमें ग्रेवी है, और मैं इसको बंद कर दूँ। आप सबकी शिकायतों पे हमने नीचे खाना लगा लिया, क्योंकि आप लोग शिकायतें करते जा रहे हैं टेबल बेड पे ना बैठें, पता नहीं मुझे आप लोग कौन लोग हैं जो बेड पे बैठ के नहीं खाते। पाकिस्तान में मेरे ख्याल हर दूसरे घर में बेड पे ही बैठ के खाया जाता है खाना। हाँ, मीठा भी ले, दोनों मीठे भी ले। खीर भी है, खीर भी, हाँ खीर। इसके लिए ना एक फोर्क लेके आओ, उसके लिए मीठा चम्मच है वो। हाँ ये भी ले जाओ साहब। हाँ कुछ नहीं, मेरे को लगाओ ना, टाइम हो रहा है। हाँ पानी की एक बोतल भी ले लेता है, बड़ी वाली वो लंबी बोतल है ना, सारा एक कोई से भी ले। हाँ मेरा रायता बनाया था साहब, लग रहा है कि सब कुछ अच्छा ही है। ये तरबूज बहुत बड़ा हुआ है फ्रिज में, खुद ही काटा थोड़ा, तो ये जिसको भी चाहिए, और मतलब सीरियसली आज क्योंकि सायरा कहने लगी नहीं बहुत है ये। इसका ब्लाउज है, ये आस्तीन, ये आस्तीन, ये वाला आस्तीन पे ऐसे आए ना, ऐसे करके इसका आए, मतलब फुल बना लो, हाफ बना लो। मैं तो फुल ही बनवाती हूँ आजकल, क्योंकि अच्छी लगती है। हाँ, मैंने एक बनाया गोल्डन में, उसको मैंने चूना वाली बनाई और वो गोल्डन हर एक के साथ चल जाता है, ज्यादातर साड़ियों के साथ चलता है। खूबसूरत बहुत लग रही है। तुम अभी फंक्शन के लिए सिलवा लेती तो पहले, तुम्हें तो कहा था सिलवाना। बहुत प्यारी लगती है। सिल्वर टॉप से चलेंगे, सिल्वर गोल्ड है, गोल्डन गोल्ड सिल्वर है, गोल्डन डल गोल्डन सिल्वर भी नहीं कह सकते क्योंकि अच्छा इस पे जैसे मुकेश का काम नहीं होता। हाँ वैसे कितना चला है ये भी, सदाबहार है मुकेश के उस टाइप का। ये पल्लू है शायद, हाँ ये पल्लू है ना, नहीं पल्लू नहीं है, ये बॉर्डर है, पूरा बॉर्डर है, बॉर्डर पे इतना इतना दिया हुआ है। हाँ। नीचे का बॉर्डर ये बॉर्डर है। अब तुम लोग पहनते नहीं, मैं तो मैं अपनी वो वाली लेकर आती नेक्स्ट टाइम, ब्लू वाली जो मैंने पहनी। मैं तो सब इतनी खूबसूरत है, देखी थी ना, ले आना वो लगती है बस नहीं, पर वो हमारी हो रही है जाने की फाइनल तैयारियाँ, पैकअप कर रहे हैं सब कुछ ताकि मिट्टी डस्ट से बच जाए सब कुछ। कुछ ढीला तो हुआ है पीछे से। हो गया, तार तो निकालो, तार निकालो आप पीछे से। गाड़ियों पे चढ़ गए कवर, जाने की तैयारियां। और बस ये देखिए हमारी सीढ़ी, इसके ऊपर चढ़ो आके, कौन चढ़ सकता है इसके ऊपर बैलेंस करके, चढ़ो। टूट गया होगा, मैं तो चढ़ जाऊंगी, अपनी बात करो, तू चढ़, आजा आजा चढ़। शीशे चलो पकड़ा हुआ मैंने, चलो बिस्मिल्लाह, नहीं मैंने पकड़ा हुआ है, पकड़ ले सब। बस दो सीढ़ियाँ चढ़ के उतर गई, कोई हाल नहीं हमारा। अंबर ने डाली अफरा तफरी और हम अब खाना लगा रहे हैं। खाने में बस कुछ नहीं, वही लेफ्ट ओवर सारा अफ्तारी का, और चिकन जो बनाया था वो सायरा ने कढ़ाई बनाई थी वो, और बस खाना खाएंगे। चाय वो छपा हो चुकी है, आरफ भी आ गया है, घर के सारे काम काज हो रहे हैं, और बस अब खाना खाएंगे। हमारी तरफ से गर्म हो रहा है अभी चिकन, हमारा गर्म होगा तो फिर शगल गुलियों में लगे हैं। माशाल्लाह सेहत अभी कुछ बेहतर हुई है।